गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभिलाष फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। आज का जो हमारा वीडियो है, अडेनियम को सीड से कैसे ग्रो करें उस पर है, और मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा अडेनियम के बारे में। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना आप ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरे अडेनियम का अपडेट दिखाता हूँ। प्रूनिंग किए हुए मुझे आई थिंक 2 महीना हो गए, 2 मंथ्स हो गए, 2 मंथ ज़्यादा हो गया। तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से आ रही है इसमें, और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर्स भी आए हैं। और अभी ऐसा हो रहा है कि इसमें सेकेंड लॉट आ रहा है। सेकेंड लॉट मतलब एक बार फ्लावर आके चले गए हैं, और सेकेंड लॉट जब कब आता है, जब एक बार फ्लावर आके चले जाए। तो सेकेंड लॉट लाने के लिए हमें प्लांट में फर्टिलाइज करना होता है प्लांट को। तो प्लांट को मैंने DAP और पोटैश का लिक्विड घोल के दिया था, DAP मैंने ऐसे डाल दिया था, और पोटैश को मैंने पानी में घोल के 10 लीटर के हिसाब से, एक टेबल स्पून 10 लीटर पानी के हिसाब से मैंने घोल के दिया था। तो उससे हुआ कि प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और अच्छे से फ्लावर भी आ रहा है। ये अडेनियम में थोड़ा टूट गया था, तो इसको मैंने प्लास्टिक से बांध दिया है, पॉली बैग से, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट एज इट इज़ है, और सॉइल भी देखिए मैं कितनी वेल ड्रेन बनाया, और सॉइल को हमें इतना ड्राई करने के बाद ही प्लांट में वाटर करना है। और अभी बारिश का मौसम भी आ रहा है, रेनी सीजन आ रहा है, तो हमें उस हिसाब से भी अडेनियम को अपने ट्रीट करना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा अडेनियम का रेनी सीजन के ऊपर आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि मेरे अडेनियम में फ्लावर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ भी चल रहा है। कई में फ्लावर होकर चला गया, और ये एक में सीड पॉट बना हुआ है। तो इस सीड पॉट को हम आज हार्वेस्ट करेंगे, और ये कोई नॉर्मल अडेनियम नहीं है, ये ग्राफ्टेड अडेनियम है, इसमें वी ग्राफ्ट लगा हुआ है। हाँ, ग्राफ्टेड अडेनियम में जो सीड पॉट बहुत कम लगता है, लेकिन लगता है तो आपको ज़रूर इसे कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके पास एक पूरा ग्राफ्टेड जो कलर होता है अडेनियम का, वो नॉन ग्राफ्टेड मतलब बेस प्लांट में ही मिलेगा, अदरवाइज आपको ग्राफ्टेड फॉर्म में ही मिलता है। तो मैं ये एक सीड पॉट लगा था, मैंने इसको छोड़ दिया, अदरवाइज मैं सीड से ज़्यादा ग्रो करता नहीं हूँ, क्योंकि सीड से ग्रो करने में बहुत वक्त लगता है अडेनियम को, और इसको फ्लावर पे लाने के लिए भी एटलीस्ट 1.5 ईयर से 2 ईयर तक लग ही जाता है। तो बेटर है इसे आप कम ग्रो कीजिए सीड से, और भले कटिंग लगा लीजिए या ग्राफ्ट कर लीजिए, बट हाँ, अगर सीड पॉट लग रहा है तो ज़रूर सीड पॉट कलेक्ट कीजिए, क्योंकि इससे आप कई प्लांट इसमें बना सकते हैं। एक अडेनियम के प्लांट से आप हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक सीड पॉट में मोर देन 200 अडेनियम के सीड्स रहते हैं, तो हमें ऑब्वियसली बात है, हम इतने सारे अडेनियम बना सकते हैं, तो वाई वेस्ट क्यों करें उसको। तो बेटर है हम सीड पॉट कलेक्ट करते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो वीडियो, ये जो क्लिप चल रहा है साथ में, ये 3 दिन बाद का क्लिप है। तो इसमें मैंने सीड पॉट को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, जिससे सीड पॉट बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो गया, और अंदर के सीड्स भी निकल रहे हैं। और हाँ, अडेनियम का सीड पॉट कभी भी लगे तो आप सीड पॉट को किसी किसी वायर से, धागा से, किसी भी चीज़ से, रबर बैंड से बांध दीजिए, ताकि सीड पॉट हमारा खुल के उड़े ना। ये कलर देखिए, रेड एंड ब्लैक, बहुत अच्छा कलर है, बहुत ही फेवरेट कलर है मेरा। और इसमें भी बर्ड्स लगे हुए हैं, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये सेकेंड स्लॉट आ रहा है इसमें फर्स्ट स्लॉट आ रहा है, सीड पॉट आ रहा है। ये एक मेरा गार्डन ज्ञान चैनल से मंगाया हुआ अडेनियम है, अच्छा चल रहा है। तो मेरे ओवरऑल मेरे अडेनियम सारे बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और ये अडेनियम में फ्लावर भी स्टार्ट हो गए। इसमें देखिए बहुत सारे बंचेस हैं, फ्लावर आ रहा है, सब में ऑलमोस्ट फ्लावर आ रहा है। और ये सीज़न भी अडेनियम के लिए बहुत फेवरेबल है, बारिश में ग्रो भी अच्छे से करता है, और फ्लावर भी अच्छे से देता है। ये देखिए, ये सीड पॉट है जिसको मैं बांध के रखा था, और देखिए सीड्स ऑटोमेटिक ऐसे निकलना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही होता है, अगर आप सीड पॉट नहीं बांधेंगे तो अपने फट जाएगा, और सीड आपके पूरे वेस्ट हो जाएंगे, उड़ के कहीं और चले जाएगा, फिर आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है किसी धागा से, किसी रस्सी से आप सीड पॉट को बांध दीजिए, ताकि आपको सारे सीड पॉट जो सारे सीड्स आपको मिल सकें। आप चाहें तो बिना जो साइड का जो रोवा वाला जो हिस्सा है, जो उसको उड़ा के ले जाता है, उसको हटा के भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो सीड को सेपरेट कर लीजिए, ऐसे ये रिमूव कर लीजिए ऐसे, उसके बाद आप सीड को ग्रो कर लीजिए। आगे मैं दिखाऊंगा कि आपको सीड को कैसे ग्रो करना है। और आपको हमेशा याद रखना है कि अडेनियम के सीड बहुत लाइट होते हैं, तो आपको बहुत हैवी इसमें ऊपर से जो सॉइल है बहुत हैवी नहीं रखनी है, थोड़ा सा लाइट सॉइल ही रखेंगे, ताकि सीड्स को निकलने में आसानी हो, जर्मिनेट होने में आसानी हो।
मैंने कुछ सीट्स मैंने कलेक्ट कर लिए, ये होंगे आई थिंक 20 के आसपास, 20-30 के आसपास, क्योंकि इतने ही प्लांट तैयार हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सारा हो जाएगा। तो मैंने एक पुराना वो पॉट लिया है, ये जो पॉट है मेरा हैंगिंग बास्केट वाला पॉट है, क्योंकि इससे ज़्यादा शैलो पॉट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसी में ग्रो करूँगा इसे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फंगीसाइड मिला देता हूँ इसमें, ताकि अगर इसमें फंगस लगने के चांस हो सीड्स में तो वो ना लगे, तो इससे फंगस नहीं लगेगा और सीड हमारा आसानी से ग्रो कर जाएगा। और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार हाथ से इसे टैप कर लीजिए, ताकि इसमें जितने भी हमारा फंगीसाइड है उसमें एक कोट चढ़ जाए, एक नॉर्मल सा कोट हो जाए, ताकि फंगस ना लगे। अब हमें करना क्या है, अब इसे ध्यान से हमें प्लेस करना है, थोड़े थोड़े दूरी में प्लेस कर दीजिए, एक एक दो दो इंच की ज़रूरत नहीं है, आपको आधे इंच की दूरी में आपको प्लेस करना है एक एक सीड्स को। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे प्लेस करना है। सबसे पहले थोड़ा सा सॉइल को थोड़ा सा लेवल अप कर लीजिए, थोड़ा लेवल पे कर लीजिए। अब धीरे धीरे करके आपको सीड पॉट डालना है, धीरे धीरे करके आपको सॉरी सीड पॉट नहीं सीड्स डालने हैं। देखिए मैं आधे से पौने इंच के डिफरेंस में मैं सीड डाल रहा हूँ, इतना दूरी में ही कोशिश कीजिए डालिए, थोड़ा पास भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इतना दूर में डालें, ताकि प्लांट आगे जब ग्रो हो तो उसको ग्रो होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले, प्रॉपर जगह मिले। मेरे पास जगह थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना ग्रो होने वाले हैं इसमें से और कितना ग्रो नहीं होंगे। सीड्स कभी भी ग्रो करें तो आपको 100% रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है, आपको हमेशा 80% 90% रिजल्ट ही मिलेगा। तो आप उसी मन से सीड ग्रो कीजिए और थोड़ा ज़्यादा ग्रो कीजिए अगर ग्रो कर रहे हैं तो, ताकि कोई प्लांट आपके ख़राब हो, जो रॉट हो जाए या फिर जो हेल्दी ना हो, आप उसे डिस्कार्ड कर सकें और हेल्दी प्लांट को आप रख सकें। तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ, मैं हेल्दी प्लांट को रखूँगा इसमें से और जो हेल्दी नहीं रहेगा उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। और इसके पहले भी मैंने अडीनियम को सीड से ग्रो किया था, तो उसके काफ़ी प्लांट्स हो गए थे, तो मैंने काफ़ी लोगों को दे भी दिया था वो प्लांट, तो मेरे पास इनफ अमाउंट में अडेनियम है। ये ग्राफ्टेड वाला है इसलिए मुझे इसके लिए ज़्यादा उम्मीद है, इससे मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो ये अडेनियम पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट कलर है, तो हम इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड जो बचा हुआ है वो डाल देंगे। अब हमें इसमें एक कोकोपीट की एक लेयर लगानी है, कोकोपीट जो है हल्का सा वेट रहता है, और पानी आप थोड़ा सा कम भी देंगे तो कोकोपीट हमेशा वेट रहेगा, तो बेटर है उस पर एक कोकोपीट का एक लेयर लगा दें, ताकि इसमें प्रॉपर मॉइस्चर बना रहे, मॉइस्चर बना रहेगा तो ही आपका सीड ग्रो कर सकेगा, अदरवाइज इसको ग्रो करने में बहुत दिक्कत होगी। तो सीड सॉरी ऊपर से आप कोकोपीट का एक लेयर लगा दीजिए, ज़्यादा लेयर नहीं लगाना है, पौने मतलब बहुत ही हल्का सा एक आधे से आधे इंच का आपको लेयर लगाना है, समझ लीजिए एक पतली सी लेयर लगानी है कोकोपीट की, जिससे आपका जो आपके जो सीड्स हैं वो आसानी से निकल सकें। तो मैं इस पर एक कोकोपीट की हल्की सी लेयर लगा दूंगा, और लेयर लगाने के बाद उसको हल्का सा मैं टैप कर दूंगा, हल्का सा टैप कर दूंगा, ताकि जो सीड अपने अपनी जगह पर सेट रहे और इस पर से उड़े ना, उड़ भी सकता है कई बार, क्योंकि हमें तेज़ हवा चलता है और कई बार पंछी वगैरह भी जो होते हैं, जो बर्ड्स वगैरह भी हैं, वो भी सीटों कलेक्ट करके लेके चले जाते हैं, इसलिए हल्का सा उसे टैप कर दीजिए। तो इसको टैप करने के बाद आपको वाटर करना है, वाटरिंग करने के लिए आपको बहुत हल्के हाथों से वाटरिंग करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसी बर्तन में से, इसी जो कटोरी है उसी में से डाल दूंगा मैं जो फंगीसाइड डाला हुआ था। तो देखिए सीड जो निकलने लगा साइड से दिख रहा है आपको, तो उसे आप अच्छे से कवर कर दीजिए हाथ से, तो मैं वैसे ही करूँगा। अब मैं इसे हल्के हल्के हाथ से पानी दूंगा, बहुत हैवी तरीके से पानी नहीं देना है, अदरवाइज सीड्स हमारे इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें हल्के हाथों से वाटरिंग करना है, और वाटरिंग करने के बाद इसको जो है, ये जो हमारा जो सीड का जो ट्रे है, इसे हमें सेपरेट रखना है शेडी एरिया में, ना कि पूरे धूप में आपको नहीं रखना है, क्योंकि धूप अभी बहुत तेज़ चल रहा है आजकल, इसलिए हमें इसे शेड में प्लेस करना है। शेड में प्लेस करेंगे तो इसमें आसानी से जर्मिनेशन होगा, और मैं इसका आपको अपडेट भी दिखाऊंगा फ्यूचर में कि इसमें कैसा रिजल्ट आया मुझे, और आगे आपको भी दिखाऊंगा कि मैंने कुछ अडेनियम जो लास्ट के लास्ट ही अमित 19 में मैंने ग्रो किए थे उसका भी रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा सीड लग के तैयार, अब हमें इसे छाया में रख देना है अराउंड 15 दिन लगेंगे इसको जर्मेट होने में, ये थोड़े से हार्श रहते हैं,
तो ये देखिए, ये मैं फिर से आपको मेरे कुछ अडेनियम दिखा रहा हूँ। इसके आगे मैं दिखाऊंगा कि मैंने सीड से कौन से अडेनियम ग्रो किए थे और सीड से ग्रो किए हुए अडेनियम का मुझे क्या रिजल्ट मिला है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे सीड से ग्रोन अडेनियम है जो मैं 2019 में ग्रो किया था। 2 साल हो गया, इसमें ग्रोथ चल रही है अच्छी खासी। कुछ लोगों को मैं आई मीन कुछ अडेनियम मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये 4 से 5 मैंने अपने लिए रखा था और इस पर जल्दी मैं ग्राफ्टिंग करूँगा अगले सीज़न में, तो उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बार आप सीड से ग्रो जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू सो मच।